अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये जो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे तो मैं इनको फोल्ड करने जा रही हूँ, ये सूख चुके हैं पूरी तरह से। तो ये कुछ टी शर्ट्स थी जो मैं कल लाई थी सेल से, जो कि मैं गई थी सेल में, तो ये एक टी शर्ट थी लाइनिंग में और ये एक कॉटन की ही लॉन्ग ड्रेस थी पर्पल कलर की, और एक ये मेरे हस्बैंड के लिए वुलन वाली टी शर्ट लेकर आई थी मैं। तो इनको भी मैंने कल वॉश कर लिया था लिक्विड सोप में। उसके बाद मैं करने लगी हूँ फोल्ड बेड शीट्स और पिलो कवर्स। एक ये बेड शीट थी शैनिल की जो कि मैंने वॉश की थी कल। काफ़ी हैवी इसका कपड़ा था तो ये कर दिया मैंने फोल्ड। और एक बेडशीट ये थी, फ्लोरल प्रिंट था इसका, बहुत ही प्यारी बेडशीट है ये भी ब्राउन कलर की, तो ये भी मैंने फोल्ड कर दी है। तो इन्हें मैं रख दूँगी। और इनमें कोई भी कपड़े आयरन के लिए नहीं थे तो ये मैंने सब वो कर लिया है काम कंप्लीट। तो आज मैं करने जा रही हूँ किचन क्लीनिंग। सारे मसालों के डब्बे निकाल लिए हैं बाहर और मेरे पास मसालों के काफ़ी सारे डब्बे हैं। मेरी किचन में इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं कुछ डब्बे हैं जो मैं किचन से अलग अलमीरा में रखती हूँ, और कुछ यहाँ किचन में भी जो डेली यूज़ के मेरे डब्बे रहते हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं, उन्हें भी मैं वॉश करूँगी। तो सभी डब्बे पहले एक जगह पर मैंने निकाल कर रख लिए हैं बाहर। तो देखें काफ़ी सारे डब्बे हैं, 6 पीसेस सेट हैं, कुछ 5 पीसेस सेट हैं। जब मैं एक बार अच्छे से वॉश कर लूँगी तभी मैं सबको इनको आपको दिखाऊँगी। देखें कितने सारे डब्बे हैं, और कुछ में सामान ख़त्म भी हो गया है जो कि मुझे अभी फिल करने हैं। ये कुछ आइटम्स मुझे भरने भी हैं, पैकेट्स जो राशन में मैं लाई थी वो रखे हुए हैं। तो पहले जो ये कांच के मेरे डब्बे हैं मैं इनको वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो मैंने इसके लिए लिक्विड सोप ले लिया है। तो विम लिक्विड सोप मैंने इसके लिए ले लिया है। अब मैं सारे डब्बे क्लीन कर रही हूँ और टॉप काउंटर पे मैंने एक साइड को थोड़ा सा स्पेस रखा है, जो मैं डब्बे वॉश कर रही हूँ उन्हें एक साइड पर रखते जा रही हूँ। तो ज़्यादा गंदे नहीं थे डब्बे क्योंकि मैं इनको एक अलग अलमीरा में रखती हूँ, वो उसका शीशा है उस पर लगा हुआ तो उसमें ज़्यादा डस्ट जाती नहीं है, तो ये इतने गंदे नहीं थे। हाँ, किचन में अगर डब्बों को ओपन रखा जाए तो उनमें डस्ट या फिर ऑयल की वजह से उनमें डस्ट चिपक जाती है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा मैसी नहीं हुए हुए थे। तो थोड़ा सा इन्हें साफ़ करना था, ज़्यादा इनमें मेहनत नहीं लगी थी, बट जो डेली यूज़ वाले मेरे डब्बे हैं स्पाइसेस के, जैसे लाल मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर के जो डब्बे हैं नमक के, तो उनमें काफ़ी ढक्कन पे थोड़ा वो लगा था, तो ये मैंने टूथब्रश लिया था अलग से और ये न्यू मैंने निकाला है टूथब्रश, और इससे मैं इनके ढक्कन अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने अच्छे से अलग से साफ कर रही हूँ।
और ये देखें मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा है इसमें, और उसको मैंने सारे प्लास्टिक वाले ही कंटेनर दिए हैं अंदर ले जाने के लिए। जितने भी कांच के कंटेनर हैं, बॉक्सेस हैं, वो सारे मैं ही लेकर जा रही हूँ। तो ये देखें मेरा बेटा हेल्प कराते हुए मेरी। तो ये देखें डब्बे मेरे ऑलमोस्ट क्लीन हो चुके हैं सारे, और ये मैंने एक कॉटन के कपड़े पर इनको रख लिया था सभी को, और ये वो अलमीरा है जहाँ पर मैं इन्हें रखती हूँ, तो इसे मैं एक बार क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और ये देखें ये किसान जैम के डब्बे हैं जो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो और ये सेकंड वाले ये शेजवान चटनी के डब्बे हैं, और ये भी ग्लास के हैं, और ये वाले छोटे वाले वो जैम के डब्बे हैं, और ये वेबा पीनट बटर जो कि मैंने आपको दिखाया था मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी उसी के डब्बे हैं। तो मैं इन डब्बों के सेट्स बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में वो सेम हो जाते हैं, 6 पीसेस का सेट, 3 पीसेस का सेट, तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, फिर ट्रांसपेरेंट भी रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उसमें कोई भी मैं सामान रखती हूँ तो उसमें दिखाई देता है कि मैंने उसमें दाल रखी हुई है, पीनट्स रखे हुए हैं, जो भी चीज़ है उसको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये देखें जो जैम वाले डब्बे हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं, और सारी चीज़ें इसमें इजीली विजिबल हो रही हैं। और ये मेयोनीज के छोटे वाले बॉक्सेस थे, ब्लू ढक्कन जिसके हैं, तो मुझे इस तरह से सेट्स बना के रखना डब्बों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद में ये वाला सेक्शन क्लीन करने लगी हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल की वजह से थोड़ा डस्ट जम जाती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा था। और किचन को डेली भी थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहो तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है फिर उसको क्लीन करने में। और फिर मैं किचन टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्योंकि यहाँ पर भी तेल की छींटे वगैरह आ जाती हैं, तो ये इसको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। और मेरी टाइल्स हो गई हैं एकदम क्लीन। उसके बाद में मैंने गैस को किया है साफ़, और गैस के नीचे भी थोड़ा बहुत गंद जमा हो ही जाती है, उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, और इसके पीछे से भी इसको साफ़ कर लूँगी मैं अच्छे से। और ये मैं गैस के बैक साइड से भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डस्ट यहीं पर इकट्ठा होती है, ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा जो भी है यहीं पर जमा हो जाता है, इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। थोड़े से चेंजेस मैं करती रहती हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज करके कोई चीज़ को लगाते हैं। आरो को भी मैंने कॉलिन से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और ये गार्बेज बैग स्टोरेज मैंने बनाया हुआ है, तो सारे पॉली बैग्स वगैरह मैं इसी में रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, तो इजी पड़ जाता है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये टॉप काउंटर मेरा हो चुका है क्लीन। उसके बाद में मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसके बाद में नीचे की ड्रॉर्स को क्लीन करूँगी। ज़्यादातर यूज़ में आने वाला सामान यहीं पर होता है, तो ये वाली ड्रॉर सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है कुकिंग टाइम में, तो ये बॉक्सेस सारे मैंने वॉश करके रख लिए थे साथ में ही,
तो मैं यहाँ पर सारे बॉक्सेस को सेट करती जाऊँगी, और उसके बाद में मैं नीचे वाली ड्रॉर भी क्लीन कर लूँगी। उसके बाद ये मेरे पास इंडक्शन रखा हुआ है, और ये कुछ एक्स्ट्रा राशन था जो पैकेट्स बचे होते हैं, तो मैं उनको पैक करके यहाँ पर रख देती हूँ, जिससे मुझे याद रहता है कि ये आइटम्स बचे हुए हैं। फिर मैं इन सभी को चेक करने के बाद ही फिर से ग्रॉसरी के लिए लिस्ट बनाती हूँ नेक्स्ट मंथ की। और जो सील्ड वाले पैकेट रहते हैं उनको मैं अलग ही स्टोर करती हूँ। और मेरी सेकंड वाली ड्रॉर भी क्लीन हो चुकी है। उसके बाद मैं इन्हें बाहर से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। जो कि जिसमें कि पानी के स्पॉट्स वगैरह यहाँ पर लग ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो मैं लगी हूँ यहाँ पर फ्रिज को क्लीन करने के लिए। और किचन में ही एक थर्ड ड्रॉर भी है जो कि डस्टबिन एरिया है, तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। और ये देखें फाइनल लुक मेरी किचन का, एकदम नीट एंड क्लीन। तो अब बच गए हैं दोपहर के 3, और बच्चे ट्यूशन के लिए आ गए हैं, तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।